इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। इस वक्त मध्य प्रदेश के गलियारों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता खोने के डर से मध्य प्रदेश में नए नए मास्टर प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाना चाहती है। वहीं छोटे दल भी मध्य प्रदेश में अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां कर रही है। बताया जा रहा है कि इस बार का मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर लड़ेगी। अब पीएम इस बार भी हर बार की तरह पार्टी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान की मामा वाली छवि का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। इस लोकप्रियता के दम पर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश रहेगी। वैसे इसके अलावा मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार भी संभव है। एक बार केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल जाएगी तो राज्य में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अब चेहरे के दम पर तो पार्टी आगे बढ़ने ही वाली है, वहीं टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी ने अब तक 65,000 बूथ समितियों में से 62,000 बूथ समितियों का डिजिटल सत्यापन कर दिया है। पूरे देश में मध्य प्रदेश एकलौता राज्य है जहां पर बीजेपी ने ऐसा कर दिखाया है। अब उसी कड़ी में हर बूथ समिति को मतदाता सूची, पिछले दो विधानसभा तथा दो लोकसभा चुनावों के उस बूथ पर परिणामों का विश्लेषण दिया गया, साथ ही उस बूथ पर राज्य तथा केंद्र सरकार की योजना के लाभार्थियों की सूची भी सौंपी गई है ताकि उनसे सीधा संपर्क हो सके। इसके अलावा हर बूथ समिति को उस बूथ पर प्रभावी व्यक्तियों की पहचान करने और उनसे संपर्क करने को कहा गया जो मतदाताओं पर असर डाल सके। अब बूथ मैनेजमेंट के साथ साथ जाति और धार्मिक समीकरण साधने पर भी जोर दिया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का मुद्दा ही हावी रहेगा। वहाँ भी महाकाल कॉरिडोर और दर्शन जैसी अन्य धार्मिक योजनाओं को गिनाया जाएगा। वैसे इस बार के टिकट वितरण को लेकर भी बीजेपी हाईकमान ने अपना रुख साफ कर दिया है। परिवारवाद को लेकर कोई तवज्जो नहीं दिया जाएगा। किसी के भी रिश्तेदार को टिकट नहीं देने की बात हो रही है। सिर्फ जीतने वाले प्रत्याशी पर ही दाव चलने की तैयारी है।